राजनीति में आपराधिक छवि की लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चिंता व्यक्त की है। अदालत ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वो अपनी वेबसाइट पर सभी उम्मीदवारों की जानकारी साझा करें। इसमें उम्मीदवार पर दर्ज सभी आपराधिक केस ट्रायल और उम्मीदवार के चयन का कारण भी बताना होगा। यानी राजनीतिक दलों को ये भी बताना होगा कि आखिर उन्होंने एक क्रिमिनल को उम्मीदवार क्यों बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सभी राजनीतिक दलों को उम्मीदवार घोषित करने के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही घोषित किए गए उम्मीदवार की जानकारी को स्थानीय अखबारों में भी छपवानी पड़ेगी। निर्भया मामले में फांसी की सजा पाए चारों दोषियों में से एक विनय कुमार की सजा को बढ़ा दी गई है। इसी के साथ कई खबरें भी सामने आ रही है जिसमें सुनवाई पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। विनय शर्मा ने राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन को लेकर निमोही अखाड़ा के ट्रस्टी महंत दिलेंद्र दास और अखाड़ा के सरपंच और राजा रामचंद्राचार्य के बीच मतभेद पैदा हो गया है। इसी को लेकर आज अयोध्या क्षेत्र के निर्मोही अखाड़ा के पंचों की बैठक बुलाई गई। 19 फरवरी को होने वाली बैठक के पहले निर्मोही अखाड़ा ने यह बैठक की थी। इस बैठक में निर्मोही अखाड़ा के सरपंच रामचंद्राचार्य शामिल हुए। बैठक में नवगठित ट्रस्ट निर्मोही अखाड़ा के सदस्यों को लेकर मंथन भी किया गया। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम जन्मभूमि परिसर में विध्वंस विवादित ढांचे के मलबे को लेकर अयोध्या में नया विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इस विध्वंस ढांचे के मलबे को लेकर जल्द ही कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। अयोध्या के संतों के मुताबिक विवादित ढांचे में विराजमान रामलला वो मंदिर को संपत्ति है जो वही बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने मलबे लेने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन वह बोझ कमेटी के मेंबर और बाबरी पक्षकार हाजी महबूब ने मलबे पर मुस्लिम समाज का अधिकार भी बताया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कोर्ट में धमाका हुआ है। धमाका वजीरगंज इलाके में हुआ। इसमें कई वकील घायल भी बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कोर्ट परिसर में 3 जिंदा बम भी मिले हैं। वकील संजीव लोधी पर हमला भी किया गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। हमले में कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई है और यहां से जो 3 जिंदा बम मिले हैं उन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में भी ले लिया है। बताया जा रहा है कि ये बम हमला आपसी विवाद की वजह से हुआ है। कचहरी में चुनाव भी होना है और उसी वजह से इस कारण में रंजिश में यह हमला किया गया। कानपुर अलीगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ की वजीरगंज कचहरी में दिन दहाड़े वकील पर बम से हुए हमले को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि यूपी सरकार को अब साफ साफ कह देना चाहिए कि उसने 3 साल तक जनता से झूठ बोला है। असल में प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है। राजधानी में कचहरी में वकीलों पर बम से हमले हो रहे हैं। राजधानी से लेकर सुदूर क्षेत्र तक कोई सुरक्षित नहीं है। क्या व्यवस्था है ये? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा बताया गया है। इसके लिए आईबी और अन्य खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। एजेंसियों के मुताबिक आतंकी पत्रकार बनकर गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री पर हमला कर सकते हैं। इस सूचना के बाद पुलिस प्रशासन ने शहर के पत्रकारों की सूची ली और LIU जांच कराने के बाद सबका फोटो युक्त पहचान पत्र भी बना दिया है। अब मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की कवरेज के लिए गोरखनाथ मंदिर में वही पत्रकार प्रवेश करेंगे जिनके पास पुलिस से जारी पहचान पत्र रहेगा। जानकारी के मुताबिक 2 महीने पहले खुफिया एजेंसियों ने गोरखनाथ मंदिर में ही मुख्यमंत्री पर हमला होने के अलर्ट भी जारी किए थे। इसके बाद पुलिस ने मंदिर का सुरक्षा घेरा जो है वो बढ़ा दिया था। मंदिर के आसपास हथियारबंद अतिरिक्त फोर्स भी बल तैनात किए गए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया है। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने विधानसभा में राज्यपाल वापस जाओ के नारे भी लगाए हैं। इस हंगामे के बीच राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायकों का धरना प्रदर्शन जारी है। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास विधायक धरने पर बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में कांग्रेस के सदस्य भी शामिल हुए। इस दौरान विधायकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की है। युवक सत्र के दौरान विधानसभा के गेट नंबर 2 पर पहुंचा, वो परिवार के साथ विधानसभा पहुंचा था। युवक ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की। पुलिस की तत्परता से युवक को आग लगाने से पहले रोका गया है। युवक को सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिला सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी राज में महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। फिरोजाबाद में पीड़ित के पिता की हत्या कर दी गई, सीतापुर में बच्ची का बलात्कार कर हत्या कर दी गई। रोज महिलाओं के खिलाफ दिल दहलाने वाली घटनाएं हो रही है, लेकिन कोई जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं ले रहा। सीएम आवास पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम रावत ने विधानसभावार समीक्षा भी की है। इसके अलावा बैठक में विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में विधायकों ने सीएम की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि अब प्रदेश में विकास कार्यों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अपराध में कमी लाने के लिए लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन में कमिश्नर सुजीत पांडे ने मीटिंग की। इस मीटिंग में राजधानी के सभी थानेदार जेसीपी डीसीपी एडीसीपी एसीपी मौजूद थे। सूबे में लगातार बढ़ रहे अपराध को कम करने को लेकर बैठक में चर्चा हुए। बताया गया कि कमिश्नर लागू होने के बाद भी अपराधों में कोई कमी नहीं आई है और अपराधियों में एनकाउंटर का भी कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। इसी को देखते हुए कमिश्नर ने मीटिंग भी बुलाई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से भाजपा को मिली करारी हार के बाद काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा ने अपना बयान दिया है। विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि दिल्ली में व्यापारिक सोच के लोगों के अलावा राजनीतिक और देश के विकास की सोच रखने वाले लोग नहीं है, जिसका नतीजा है कि व्यापारिक लोग अपनी रोजी रोटी के अलावा देश की चिंता नहीं कर पा रहे हैं और अपने लाभ के लिए दूसरी पार्टियों को वोट देकर देश के विकास में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं काम कर रहे हैं। साथ ही विधायक हरभजन सिंह चीमा ने यह भी कहा कि जिस तरह आम आदमी पार्टी ने लोग प्रलोभन देकर अपनी तरफ खींच रहे हैं, उससे देश का भला होने वाला नहीं है। एमपी एमएलए के स्पेशल कोर्ट ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की तरफ से दायर मानहानि मामले में समन किया है। जज पीके राय ने अगली सुनवाई के लिए 2 मार्च की तारीख भी नियत कर दी है। ऊर्जा मंत्री ने कोर्ट में कहा कि 2600 करोड़ रुपए के पीएफ घोटाले में अजय कुमार लल्लू ने उनका नाम जोड़कर लोगों को गुमराह किया, इससे उनकी छवि खराब हुई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुए उपद्रव की जांच की मियाद आज पूरी हो गई है। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन पूरे मामले की रिपोर्ट हाईकोर्ट को भी सौंपेगा। वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा रिकवरी के लिए जारी शिकॉज नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने सोमवार को भी खारिज कर दिया था। लखनऊ के परिवर्तन चौक, खदरा और हुसैनाबाद में 19 दिसंबर को सैकड़ों लोगों तोड़फोड़ और हंगामा किया था। इस मामले में पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने 150 लोगों को नोटिस जारी किया है। अब एटीएम कोर्ट में पुलिस से मिले साक्ष्य के आधार पर छानबीन की जा रही है। प्रशासन के बाद भी पोस्टिंग ना होने, मनमाने तबादले सहित 22 सूत्री मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के 6000 से ज्यादा कर्मचारी आज से हड़ताल पर है। हड़ताल की घोषणा यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने रविवार को ही पूरी कर दी थी। लखनऊ में पीजीआई में संविदा कर्मी के पद पर तैनात 60 होमगार्ड्स को अक्टूबर से वेतन नहीं मिल रहा है। होमगार्ड का 4 महीने से वेतन अटका पड़ा हुआ है, जबकि दूसरे विभाग में लगे होमगार्ड्स को वेतन मिल चुके हैं। पीजीआई निर्देशक से शिकायत के बाद भी अब तक भुगतान नहीं किया गया, जिससे होमगार्ड्स काफी ज्यादा परेशान है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार परीक्षाओं को बेहतर बनाने में जुटी हुई है। सरकार के कई प्रयास इस बार की परीक्षा में कसौटी पर होंगे, क्योंकि जुर्म की दुनिया में आकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके 12 बंदियों के लिए सेंट्रल जेल को परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। इन कैदियों की परीक्षाओं को करवाना प्रशासन के लिए किसी कठिन चुनौती से कम नहीं है। साथ ही सरकार ने लाइव वेबकास्टिंग के जरिए हर परीक्षा केंद्र पर निगरानी करने की भी पहल की है।
उत्तराखंड के रेलवे स्टेशनों पर उर्दू साइन बोर्ड को बदलकर संस्कृत में करने के फैसले को देहरादून रेलवे स्टेशन पर नजरअंदाज किया जा रहा है। दरअसल देहरादून रेलवे स्टेशन में संस्कृत साइन बोर्ड हटाकर उर्दू के साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से संस्कृत महाविद्यालय शिक्षक समिति में आक्रोश नजर आ रहा है। आक्रोशित शिक्षक समिति ने स्टेशन निर्देशक गणेश ठाकुर को साइन बोर्ड को वापस संस्कृत में लिखने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया है। यूपी के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस ट्रक में जा घुसी। इस घटना में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 35 अन्य को सैफई मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। यह घटना फिरोजाबाद इटावा के बॉर्डर के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रात 10 बजे के करीब घटी है, जब एक निजी डबल डेकर बस ने सड़क पर खड़े 22 पहियों वाला ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। ट्रक पंचर होने की वजह से सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। सीएम योगी ने दुर्घटना में घायलों को समुचित चिकित्सा देने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही सीएम ने ट्वीट करके कहा कि फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस की दुर्घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति और परिजनों को इस दुख से उभरने की शक्ति प्रदान करे। वह इस घटना पर परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। यमुना एक्सप्रेस वे फिरोजाबाद में हुई सड़क दुर्घटना बड़ी कष्टकारी है। स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में तत्परता से लगे हुए हैं। मृतकों की आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। नोएडा के सेक्टर 12 में हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलर को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने व्यापारी को शोरूम में घुसकर सर में गोली मारी है। बदमाशों ने ज्वेलर को 4 गोलियां मारी, इसके बाद बदमाश लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। अमरोहा में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। मां ने अपने 2 बच्चों की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली है। महिला ने पहले 2 बच्चों की गला दबाकर हत्या की, फिर उसके बाद खुद फांसी लगाकर जान दे दी। फिलहाल इस मामले का खुलासा नहीं हो पाया है कि महिला ने ये कदम क्यों उठाया। थाना जिडौली इलाके के सेतवाली गाँव का ये पूरा मामला है। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र में एक कार अचानक गंग नहर में समा गई। कार सवार पलवल से हरिद्वार जा रहे थे कि अचानक कार अनियंत्रित होकर गंग नहर में गिर गई। कार में 4 लोग सवार थे, जिनमें 2 लोग किसी तरह से जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन 2 लोग पानी में डूब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से लापता लोगों की तलाश भी शुरू कर दी है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में आवारा कुत्तों के आतंक से यहां के स्थानीय लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आवारा कुत्ते बच्चे और महिलाओं को अपना शिकार बना चुके हैं। आवारा कुत्ते आते जाते लोगों पर हमला बोल देते हैं और काट भी लेते हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की कई सोसाइटी में रहने वाले हजारों लोग दहशत में जीने को मजबूर हो गए हैं। लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र में मालगाड़ी से कार टकरा गई। टक्कर लगने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे के बाद राहगीरों में अफरा तफरी मच गई है। मालगाड़ी की रफ्तार कम होने से कोई जान माल का नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है, तो वहीं राहगीरों की सहायता से कार को रेलवे ट्रैक से हटाया गया है। फिरोजाबाद में रात को पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक एसओ और एक एसओजी टीम का सदस्य घायल हो गया, जबकि 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अपने गिरफ्त में ले लिया है। पकड़े गए बदमाश भी मुठभेड़ में घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। ग्रेटर नोएडा दादरी थाना इलाके के कोट गांव के पास पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, तो वहीं 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से कार, मोबाइल और तमंचे बरामद किए हैं। बता दें कि बदमाश ओला कैब ड्राइवर की हत्या कर गाड़ी लूट कर फरार हो गए थे। पकड़े गए बदमाशों पर 1 दर्जन से ज्यादा हत्या और लूट के मुकदमे भी दर्ज है।
प्रतापगढ़ में दुकान में घुसकर गल्ला व्यापारी को गोली मारने का मामला सामने आया है। बदमाश ने दुकान में घुसकर व्यापारी की गोली मार दी। फायरिंग की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में बदमाश गोली मारते हुए नजर आ रहे हैं। घायल व्यापारी के अनुसार कुछ महीने पहले उसे अज्ञात बदमाशों ने फोन कर लाखों रुपए की रंगदारी मांगी थी और पैसा न देने पर हत्या करने की भी धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। सुल्तानपुर में 7 साल की नाबालिग बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। इस दरिंदगी की सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मासूम बाजार में सामान लेने गई थी और इसी दौरान एक अज्ञात युवक ने मासूम को अपनी हवस का शिकार बना लिया। बच्ची की हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और संदिग्ध आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें भी तैयार की गई है। देश में 3 तलाक बिल पास होने के बावजूद आए दिन लगातार 3 तलाक के मामले सामने आते ही रहते हैं। वहीं उधम सिंह नगर में लगातार 3 तलाक के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जहां एक महिला ने तहरीर देकर पति के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि ससुराल में उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, वहीं दहेज के लिए भी लगातार परेशान किया जा रहा है। हल्द्वानी शहर में खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायतें लगातार सामने आती रहती है, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग केवल त्योहारों में ही एक्टिव रहते हैं। इस बात की तस्दीक खाद्य सुरक्षा विभाग के आंकड़े करते हैं। अगर आंकड़ों की माने तो 2019 में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 272 सैंपल लिए थे, जिनमें से 119 सैंपलिंग की रिपोर्ट सामने आई है। इसमें खाद्य विभाग की तरफ से 12 खाद्य पदार्थों के नमूने फेल पाए गए। बाकी के सैंपलों का क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन अब होली का त्यौहार नजदीक आ रहा है तो खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में नजर आ रही है। पहाड़ों के मौसम में अभी भले थोड़ा सर्द हो, लेकिन जंगलों में आग लगाने की वजह से मौसम सामान्य हो जाता है। पहाड़ों पर लाखों हेक्टेयर जंगल खाक हो जाते हैं। 15 फरवरी से फायर सीजन की शुरुआत के साथ वन विभाग ने जंगलों में लगने वाली आग से निपटने के लिए कमर कस ली है। जंगलों में लगने वाली आग से बेसकीमती वन संपदा खाक होने के साथ ही जंगली जानवरों के अस्तित्व पर संकट मंडराता है, जिसको लेकर वन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। मेरठ जिले के एक इलाके में बलात्कार के मामले को लेकर हंगामा मच गया। पीड़ित पक्ष के लोग पुलिस के रवैये को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं। आरोप है कि रेप पीड़ित लड़की ने आरोपियों की दबंगई से परेशान होकर फांसी लगा ली थी। आज पीड़ित का शव पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचा तो पीड़ित परिवार ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। गाँव के दूसरे लोग भी उनके साथ शामिल हो गए। इन लोगों की मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया है। चित्रकूट के बहिलपुरवा थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक विवाहित का शव जंगल की झाड़ियों के पास से बरामद किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि मृतका के प्रेमी ने उसे बुलाया था, लेकिन किसी बात को लेकर उनकी बहस हो गई, जिसकी वजह से प्रेमी ने मृतका की कूच कूच कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। श्रीनगर में पहली बार ऑटो और ई रिक्शा का ट्रायल किया गया। लंबे समय से इलाकों में ई रिक्शा संचालित किए जाने की मांग की जा रही थी। कई बार इस संबंध में परिवहन विभाग को पत्र भी भेजा जा चुका था। स्थानीय लोगों की मांग और नगर पालिका के विस्तारीकरण के बाद अब आखिरकार नगर पालिका क्षेत्र में जिला प्रशासन और आरटीओ पौड़ी के समक्ष नगर पालिका अध्यक्ष ने ई रिक्शा सेवा का ट्रायल किया, जिसके तहत श्रीनगर तहसील से डाक गांव से मुख्य बाजार तक ई रिक्शा चलाया गया। हालांकि ये केवल ट्रायल था, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही क्षेत्रवासियों को ई रिक्शा की सौगात दी जाएगी। गाजियाबाद में पुलिस ने वाहन चोरों के गैंग को पकड़ा है। आरोपियों के पास से बरामद 9 वाहन हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना विभाग कालसी द्वारा हरिपुर कोठी मुख्य मोटरमार्ग पर स्थित दमन से देव गांव तक 12 किलोमीटर मोटरमार्ग का निर्माण पूरा कर लिया गया है। 6,37,00,000 की लागत से बनाई गई सड़क से क्षेत्र के कई गांव लाभान्वित होंगे। आजादी के बाद इस गांव में पहली बार सड़क पहुंचने पर ग्रामीण उत्साहित नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, विभाग के अधिकारियों ने ट्रायल के लिए जैसे इस सड़क पर बस को उतारा तो दो गांव के ग्रामीण गांव में पहली बार देखकर खुशी हो गए।
ग्रामीणों ने पारंपरिक ढोल दमों की धुनों पर नाचते गाते हुए बस का स्वागत किया और गांव में लड्डू भी बांटे गए। प्रदेश भर के सिटकुल क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। औद्योगिक नगरी सेलाकुई की लिंटे कंपनी की एक घटना का पॉइंट बनाया गया। मॉक ड्रिल के लिए सेलाकुई फायर स्टेशन को कंट्रोल रूम की तरह इस्तेमाल किया गया, जहां स्टेजिंग एरिया में तब्दील किए गए फरार स्टेशन में मेडिकल एंड पोस्ट स्टेजिंग एरिया मैनेजर इंसिडेंट कमांडेंट पोस्ट एक्शन बनाए गए हैं। मॉक ड्रिल रेस्क्यू कार्यक्रम में पुलिस फोर्स, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, एनडीआरएफ की टीम सहित कई सेना की टुकड़ी भी मौजूद रही। पहाड़ों में हुई इस बार रिकॉर्ड बर्फबारी के बाद चमोली में तमाम ऊंचाई वाली जगहों पर जबरदस्त बर्फ का कब्जा हो गया है। बद्रीनाथ धाम अभी 7 से 8 फीट बर्फ की आगोश में है। वहीं इस बार बद्रीनाथ धाम की यात्रा जल्द ही यानी कि अप्रैल के अंत में शुरू होने जा रही है, जिसके लिए अब प्रशासन भी सतर्क हो गया है। इस बार रास्तों को खोलना प्रशासन के लिए चुनौती होगी, जिसके लिए चमोली जिला प्रशासन ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। टेरी ब्लॉक में 12 साल में आयोजित होने वाले महायज्ञ का समापन किया गया। 11 दिन तक चलने वाले इस महायज्ञ का आयोजन नील चामेश्वर मंदिर में किया गया। इस महायज्ञ में 30 गांव के 1000 लोगों ने हिस्सा लिया है। इस महायज्ञ का आयोजन क्षेत्र में खुशहाली की कामना के लिए आयोजित किया जाता है। आपको बता दें कि इस महायज्ञ का आयोजन 12 के बाद किया जाता है। बिजनौर में शिवरात्रि पर जिले से गुजरने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने किया महादेव मंदिर का निरीक्षण। कांवड़ियों के सभी इंतजाम के लिए पुलिस कर्मियों से डीएम और एसपी ने भी बात कर ली है। प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री औषधि केंद्र में वसूली से भड़की महिला ने किया अस्पताल परिसर में हंगामा। अस्पताल में मरीजों को न्यूनतम मूल्य पर दी जाने वाली दवा की राशि को बढ़ाकर बेचा जा रहा है। राजस्थान के सीकर में गैस सिलेंडर फटने से 14 लोग झुलस गए हैं। सिलेंडर ब्लास्ट धमाके में पूरी बिल्डिंग दहल गई है और इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है। घायलों को कल्याण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में से 9 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में घर से 5 शव मिलने के बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मामले में पुलिस के हाथ अब कुछ अहम जानकारियां लगी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में यह मर्डर का मामला लग रहा था, लेकिन दंपति और उनके तीनों बच्चों के सिर पर पहले हथौड़ों से वार किया गया और फिर शवों को आरी से काट दिया गया। पुलिस मर्डर केस दर्ज कर हत्या की वजह जानने की कोशिश लगातार कर रही है। कोरोना वायरस के डर से थाईलैंड के राजा रानी का आज प्रस्तावित नैनीताल दौरा भी स्थगित हो गया है। थाई के राजदूत चटनोट गोस्कंडा के कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते रॉयल फैमिली का दौरा स्थगित होने की सूचना दी गई। फिलहाल राजकुमारी का पूर्व निर्धारित दौरा यथावत है। थाईलैंड के राजा महाराजा वाजिरलोकोंड और रानी सुतिया का 13 फरवरी को नैनीताल आने का कार्यक्रम था। इसके चलते पूर्व में थाई राजदूत चुनुटोंड योक्स कोर्दो के नेतृत्व में 11 सदस्य दल ने पंत नगर एयरपोर्ट से नैनीताल तक का जायजा भी ले लिया था और कार्यक्रम के अनुसार शाही दंपति को 13 फरवरी को नैनीताल के नैनी रिट्रीट होटल पहुंचाया जाना था, लेकिन नैनीताल और भीमताल में उनके ठहरने की तैयारी भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन अब वो नहीं आएंगे। चौबीस तारीख को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति यहां पर गुजरात में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसको लेकर किमछो ट्रंप का नाम भी सामने आया है। ये कार्यक्रम हाउडी मोदी की तर्ज पर आयोजित किया जाना है। ट्रंप के इस दौरे में भारत और अमेरिका के बीच कुछ रक्षा सौदों पर भी मुहर लगी है। इस दौरे में ट्रंप के साथ फर्स्ट लेडी भी सामने आ रही है।